अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, ज्यादा नहीं। स्वेलिंग बहुत ज्यादा आई है, गर्दन पेन कर रहा है, सर दर्द है, बहुत ज्यादा है हर चीज। और शायद आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा, कंटिन्यू महीने डेढ़ महीने से चल रहा है और पसीने में नहा रही हूँ। हालात बहुत ख़राब है, इस वजह से भी वीडियोस लेट बन रहे हैं। और दूसरा, यूसुफ के पीछे लगी हूँ, ये दूसरी वजह भी है वीडियोस लेट बन रहे हैं। किसी को यंग दिखाने के लिए दुपट्टा निकाल दिए। नहीं जी, ऐसा क्यों सोचते हैं। मैं दुपट्टा ओढ़ती हूँ मेरी मर्जी से, और दुपट्टा नहीं ओढ़ती हूँ मेरी सेहत की वजह से। जब 4 साल से आप मेरे साथ हैं, आप लोग जितने भी हैं, मैं कुछ दिन दुपट्टा ओढ़ती हूँ, कुछ दिन नहीं ओढ़ती हूँ। जब मैं रिलैक्स फील करती हूँ तो मेरा दुपट्टा गुंडा ले जाता है। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, गर्मी से परेशान होती हूँ और काम करने को मन नहीं होता है, ये तो दुपट्टा संभालते हुए मैं कैसे काम करूँ। मतलब जस्ट ऐसा प्यास भी काटी ना, तब भी पसीना जार जार रहता है। तो दुपट्टा संभालूँ या प्यास काटते काटते उसमें पसीना डाल दूँ। इसलिए आपके बोलने से ना ही मैं छोड़ने वाली हूँ, आपकी बोलने से ना ही मैं पकड़ने वाली हूँ दुपट्टा ओढ़ना और दुपट्टा नहीं ओढ़ना। मेरी मर्जी पर डिपेंड है वो, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है वैसा है। सबको अपना अपना हिसाब देना है। जब अल्लाह पूछेगा तो अल्लाह को पता भी है ना कि हर चीज़ के बारे में। जवाब तो मुझे देना है। और आप तंज कस रहे हैं मेरे ऊपर, कुछ भी बोल रहे हैं, उसका जवाब भी आपको देना है ना। तो इसलिए मीठी मीठी ज़ुबान में बोलिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो प्यार भरे अच्छे मोतियों वाले लफ्ज़ों में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करती हूँ। और एक कमेंट आया था कि आप मेरा कमेंट डिलीट करें, बुरा लगा हो तो। अब मैं इसके बाद कमेंट नहीं करूँगी जी, अस्तग़फिरुल्लाह। पिछला कमेंट तो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम जैसा कमेंट आया, मैं उसे डिलीट नहीं करी, तो आपके कमेंट को क्यों डिलीट करूँ जी। आप एक बात जान लीजिए, मैं नौश किचन रूटीन जो है ना, उनके हिसाब का कमेंट है तो वो रखती हैं, नहीं तो मेरे तो 4-5 वीडियो सारे कमेंट डिलीट करे हैं। मैं तो नॉर्मल मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, डिलीट करे हैं वो, मैं वैसी नहीं हूँ। आप जो भी पूछेंगे, जो भी बोलेंगे, जैसा भी पूछेंगे, अगर मुझे बुरा लगा है तब भी मैं कमेंट में आंसर कर देती हूँ कि आपने ऐसा बोला जी, मुझे बुरा लगा बोल के। और अगर आप सही बोल रहे हैं, वहीं आपको अप्रिशिएट करती हूँ और मेरी गलती एक्सेप्ट भी करती हूँ, और मैं कमेंट डिलीट करने का काम नहीं करती हूँ। जब तक कि कोई छिछोरा आके कमेंट ना करे, फालतू सा, एकदम फालतू, जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, अगर वो कमेंट मेरे चैनल पर रहा, स्पेशली मैं जेंट्स की बात कर रही हूँ, लेडीज़ की नहीं, वो कमेंट अगर मेरे चैनल पर रहा, अगर मेरे चैनल को उससे सही नहीं लग रहा, क्योंकि हम सब लेडीज़ होती हैं ना यहाँ पर, कोई जेंट्स आके एकदम फालतू सा कमेंट कर दे, वही कमेंट डिलीट करती हूँ। चलिए, आज बहुत सारा काम करके आपको मिल रही हूँ। सिंपल सा मटन पुलाव बनाना है और मटन कोफ्ता बनाना है। यूसुफ को बहुत पसंद आ रहा है, ब्रेड में बर्गर के जैसा प्रेस करके उसे खाना है, चलिए वो बनाते हैं। चलिए आज बातें करते हैं। कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। आजकल के कमेंट में तो मुझे सलाम भी करते नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं अच्छे से सलाम करो बोलकर। अस्तग़फिरुल्लाह, क्या मैं सलाम अच्छे से नहीं करती क्या जी। और पर्दा करना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है जी, सबको अपना अपना हिसाब देना है। या अल्लाह मेरा हिसाब मत ले, हाँ या अल्लाह मेरा हिसाब बहुत हल्का ले, मैं हमेशा तुझसे दुआ करती हूँ। हाँ, आप लोगों से बोलना है, मेरे पर्दे के बारे में आप फिक्र करते हैं, चलो अल्लाह आपको अच्छी हिदायत दे। क्या आप अपने आँखों का पर्दा ना करें, और आपको जैसे आप मुझे बोल रहे हैं पर्दा करना ज़रूरी है, क्या आप अपने आँखों का पर्दा ना करें। आप क्यों यूट्यूब पर सारी चीज़ें देखती बैठती हैं, आप क्यों जैसे मेरा ही एक प्रोग्राम देखती हैं क्या, आप जैसे दूसरा कुछ देखती ही नहीं है, आप आँखों का पर्दा नहीं करते हैं।
इसीलिए देखिए मैं सभी से कहती हूँ, सभी की अपनी अपनी ज़िंदगी है, कुछ बात खटक जाए तो प्यार भरे लफ्ज़ों में पूछ लीजिए, क्योंकि हर किसी के अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, उन्हीं के साथ ज़िंदगी जीना पड़ता है। और अगर कुछ फॉलो कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, तो आपको हिसाब नहीं देना है, और हिसाब करने वाला ऊपर बैठा है और वो बहुत मेहरबान है और वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है, बाकी सब उसके हाथ में है। तो यही बोलती हूँ मैं कि आप ऐसे भर भर के कमेंट ना करें जी, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ जाए और मैं भी मुंह फटाक हो जाऊँ। वैसे मैं मुंह फटाक हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं हूँ, और मैं बड़े अच्छे लफ्ज़ों में बोलती हूँ, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और समझ में भी आ जाएगा कि हम गलत हैं। चलिए, बातें इसलिए क्योंकि हमेशा मटन पुलाव का तो रेसिपी बताती ही हूँ ना, सिंपल सी रेसिपी थी, बेसिक से मसाले डालकर वो बनाया है। मटन कोफ्ता बहुत कम बताती हूँ, क्योंकि एक बार बनाई तो जल्दी नहीं बनाती हूँ। जितना मिक्सी जार में मटन ले रहे हैं ना, उतने के हिसाब से ही मसाले डालना है। जैसे अभी मैंने 250 ग्राम 300 ग्राम मटन लिया है, उसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच नमक डाला है। बाद में मैं हल्का है ना कच्चा गोश्त टेस्ट भी करती हूँ, अगर मुझे लगे कि इसमें नमक कम है तो हल्का नमक मिक्स भी करती हूँ। वैसे पहले बहुत ध्यान से डालती हूँ कि मुझे चेक करना ना पड़े, पर टेस्ट परफेक्ट आना चाहिए ना, तो इसलिए मैं टेस्ट भी करती हूँ, पर मैं वो पेट के अंदर नहीं लेती हूँ, ज़ुबान से ही करती हूँ और फटाक से कुल्ली करके आती हूँ। ये इसमें आप चाहें तो 1-2 चम्मच बेसन का आटा भी मिला सकते हैं, या तो फिर फुटाने का आटा मिला सकते हैं, या तो फिर शौ या बारीक शौ होती है ना वो मिला सकते हैं। देखिए जैसी ही खुशबू आई वो आ गया, अम्मी बन गया क्या, बोलकर जहीन, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बन रहे हैं ना। वैसे मैं बहुत ज़्यादा गोल ऐसे वैसे नहीं बनाती हूँ, मैं मोटा धाटा खाना बनाती हूँ, पर खाने में आप एक बार खाना चालू करेंगे तो आपके हाथ नहीं रुकेंगे, इतने सुपर टेस्टी बनाती हूँ। वैसे मेरे बच्चों को इसमें मटन मटन का टेस्ट लगता है, बेसन डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन और भी सॉफ्ट बनेंगे। इसमें मैंने फैट भी अच्छा खासा लिया है, तो वैसे ही ये सॉफ्ट बनते हैं, पर बेसन डालेंगे तो और अलग टेस्ट आएगा, मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है। पर वो जहीन को है ना अम्मी मटन मटन वाला टेस्ट बनाओ बोला है, तो इसलिए आज मैं उसमें बेसन नहीं डाली हूँ। इधर से 4-5 मिनट, उधर से 4-5 मिनट हाई फ्लेम पर, और 2-3 मिनट कम फ्लेम पर अच्छे से सेक लिया है मैंने, और 1-2 चम्मच तेल डाला है, उतने में ही सारे कोफ्ते सेके गए हैं, क्योंकि पहला बैच होने के बाद वो अपना तेल छोड़ा था, उसी बैच में दूसरे सब हो गए, और उधर दूसरे साइड मटन गल गया था, चावल डाल दी, पानी डाल दी, अब नमक डाल रही हूँ। डिटेल रेसिपी बहुत बार अपलोड की हुई है, और अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है मेरी कुकर बिरयानी मटन पुलाव चिकन पुलाव वाली रेसिपी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना बनता है। एक बार ट्राई करेंगे तो आपको घर में वही रेसिपी बार बार बनानी पड़ेगी, इतनी कम मसालों में इतने सुपर टेस्टी रेसिपीज निखर के आते हैं, काम भी कम लगता है और किचन में टाइम भी कम लगता है और हमारी तारीफ़ भी बहुत होती है। आप भी मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो आपके घर में भी सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, और आप आकर एक मुझे कमेंट कर देना अच्छी बनी थी रेसिपी बोलकर क्योंकि मेरे सारे व्यूवर्स हैं ना जो रेगुलर व्यूवर हैं, जो ट्राई करते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं, पहली रेसिपी देखते हैं, ट्राई करते हैं, दूसरे तीसरे वीडियो में आकर बोलते हैं कि हमने भिंडी की ट्राई की थी, हमने वारंगा खिचड़ी ट्राई की थी, और हमने बिरयानी ट्राई की थी, और आपकी रोटी बनाने का तरीका अच्छा है। मतलब यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती हैं इस चैनल पर, इस चैनल पर एकदम सिंपल सी रोज़ डेली यूज़ होने वाली रेसिपीज़, ज़ुबान को एकदम जायका देने वाली ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं, और ये चैनल पर थोड़ी खट्टी मीठी बातें भी होती हैं। चलिए कोफ्ते बन गए हैं, चेरी ब्रेड के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, फीके चेरी बन के साथ और फीके बन के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर जहीन गया था लाने, चेरी बन नहीं थे, तो फिर मैं
मैं बोली यूसुफ को हल्का मीठा ब्रेड पसंद आता है। मैं बोली मिल्क ब्रेड ला ले बेटे और तुझे जो पसंद है वो ला ले। तो वो बोला अम्मी मुझे भी मिल्क ब्रेड ही पसंद है बोलकर एक छोटा मिल्क ब्रेड एक बड़ा मिल्क ब्रेड लाया है वो। ये देखिए एक तरफ सॉस लगाया एक तरफ चटनी लगाया और दो दो पीसेस रखे मैंने उसमें और ऊपर से लेट्यूस और प्याज रखी हूँ और इधर ये दूसरा भी चालू है। ये देखिए आकर कितना खुश हो रहा है, देख देख कर हंसता है, हंस हंस के खाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जितना खुशी से खाता है ना अल्लाह उसके नसीब में है ना उतना ही रिज़क बहुत आला दर्जे का रखा है। और मुझे ज़हीन के लिए पकाना जब होता है ना मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है कि ये डालूँ क्या वो डालूँ। हाँ पात्री साहब के लिए पकाना है, यूसुफ़ के लिए पकाना है तो मुझे दो बार सोचना पड़ता है ये डालूँ या ना डालूँ। ज़हीन के लिए मैं हरगिज़ सोचती नहीं हूँ। और रेसिपीज़ तो माशाल्लाह इतने निखर के आते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। बारिश हो रही है और गर्मा गर्म ऐसी चीज़ें मिले तो मूड तो बनता ही है। देखिए एक खाकर आया, दूसरा बोली मैं तू बना लेना बेटे मैं दूसरा काम करती हूँ। तो नहीं बोला मैं बनाऊँगा तो क्या ज़्यादा होगा क्या कम होगा पता नहीं, आप पहले कैसे बनाए वैसा ही मुझे और दूसरा भी बना कर दो। तो इसलिए उसके लिए और दूसरा भी बना रही हूँ। एक्चुअली आज हमारा लंच नहीं हुआ है, ये लगभग 5:30 बजे के आसपास बना रही हूँ मैं। ये लंच नहीं होने की वजह से है ना ये बहुत टेस्टी भी लगे और खाने के बाद है ना एनर्जी इतनी लो हो गई पता ही नहीं चला। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि लंच नहीं बनाए, लंच खाना भूल गए माँ बच्चे होता है कभी कभार ऐसे। देखिए बनाने तक फुर्सत नहीं वापस आ गया और सेम पहले जैसा ही लेट्यूस रखा प्याज रखा और चटनी थोड़ी सी तीखी बनाई है। ज़हीन को थोड़ा सा तीखा तीखा पसंद आता है। देखिए कैमरे के पास खड़ा है, इधर तो सरक उधर तो सरक बोली तो अरे कैमरा चलो है क्या आपका बोलकर सरक गया। और देखिए दो पीस डाली हूँ तो एक्स्ट्रा भी एक रखो ताकि ऊपर ऊपर से खाता रहूँ मैं बोलकर बोल रहा है। एक्चुअली ज़हीन को खाते देखकर है ना नहीं भूख लगे वालों को भी भूख लग जाती है, इतना एंजॉय करके खाता है वो। बहुत मज़ेदार चटनी है। भी कम लगाऊं चटनी बोले तो नहीं ज़्यादा लगाओ बोले ना बराबर करी नहीं मैं तो टेस्ट करता हूँ अगर लगी मुझे ठीक तो खातू नहीं तो नहीं खाती बाबा। अभी उसे चाप लेकिन हीट करने थोड़ी देर बाद ऐसा हाँ। एक्चुअली चटनी उतनी तीखी नहीं हुई थी, मुझे भी नहीं लगी और यूसुफ को भी नहीं लगी। बाद में हम बात करें तो ज़हीन बोला अम्मी मुझे दोनों तरफ छाले हुए हैं, वो छालों का उतना तीखापन लग गया मुझे बोलकर। यहाँ तो ज़ोरदार म्यूज़िक चल रही है। देखिए यूसुफ है ना ज़हीन के लिए वड़ा पाव लाया है और ये देखिए वेज और नॉन वेज मिक्स करके खा रहा है। ये देखिए उसके भाई मतलब ज़हीन बोला था तो यूसुफ लाया है, मेरे लिए भी लाया है उसके लिए भी लाया है और अपने लिए भी लाया है। पर मैं तो ब्रेड नहीं खाऊंगी बस वड़ा खा रही हूँ। कि नमक लगा हाँ लगा ले बेटे। परसों पात्री साहब को शेफ बनने का शौक़ उठा था। एक चुटकी नहीं अभी कम ऐसा चुटकी रे बेटे मेरे छोड़ तू मैं डाल तू चुटकी में तो क्वांटिटी देखो ना चुटकी हाँ, ये जरा चुटकी से ज्यादा है ये हो गया ना हाँ। अभी ये ज़हीन को शेफ बनने का शौक उठा है। उस दिन जो लाए थे ना यूसुफ को थोड़ा लेट मिले तो बहुत श्रिंक हो गए थे मतलब उसे टेस्ट नहीं आया था खाने का। तो अभी भाई थोड़ा थोड़ा डाल भाई का प्यार जाग गया है, अभी वो प्रॉन्स बना रहा है। ठुनुंग ठुनुंग डाल रहे अदरक लहसुन पहले लगा को धोई थी ना इसलिए कम लगा रहा तो उन्हें बोला कितना ले आधा चम्मच आधा बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा दाल वो सूखा आटा भी सब मिक्स हो जाता है।
छोड़ बस। हाथ धो ले। ऊपर रखें उसके बराबर दाल। बटर लगा के इसमें डालेंगे तो दिख रहे मैंने नहीं कहा अच्छा है लगा। लार मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।